Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके अपने ही मुल्क में उनकी छवि तार-तार हुई जा रही है। पुतिन ने 2022 की शुरुआत में रूस का गौरवशाली अतीत लौटाने का विजन पेश किया था। इसी के तहत उन्होंने फरवरी में यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था और जैसे जैसे ये साल बीत रहा है उनकी कोशिश किसी बुरे सपने में बदलती जा रही है। यूक्रेन के जिस खेरसोन प्रांत को पुतिन ने रूस का हिस्सा घोषित किया था, रूसी सेना अब वहां से वापस लौट रही है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई सोइगु ने 9 नवंबर को इसका ऐलान किया। दिलचस्प ये रहा कि इस मौके पर पुतिन मौजूद नहीं थे। कहा जा रहा है कि वो अपना चेहरा बचाने में व्यस्त हैं, हालांकि उनके लिए इस सदमे से उबरना बहुत मुश्किल होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि रूस को खेरसोन से पीछे क्यों हटना पड़ा, पुतिन ने इतने दिनों से चुप्पी क्यों साध रखी और रूस यूक्रेन युद्ध में नया क्या हो रहा है। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली, टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक नए निमंत्रण। महफिलों का दौर वापस लौट रहा है, साथ में लौट आया है लल्लन टॉप अड्डा भी। कब और कहाँ? 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। अड्डे पर क्या क्या मिलेगा? सितारों संग सत्संग मिलेगी, लाइव लल्लन टॉप क्विज मिलेगी, सही जवाब देने पर बढ़िया बढ़िया इनाम भी मिलेंगे। एंट्री पूरी तरह से फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे का बैनर है, वहां पर टैप करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तारीखों पर लाल गोले का निशान बना लीजिए, आपका इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां आज बात रूस यूक्रेन युद्ध की होगी। पहले दो तारीखों पर एक नजर डालते हैं। नंबर एक तारीख 30 सितंबर 2022, जगह रूसी सत्ता प्रतिष्ठान का केंद्र क्रेमलिन का सेंट जॉर्ज हॉल। पुतिन यूक्रेन के चार प्रांतों को रूस का हिस्सा बताने वाले दस्तावेज पर दस्तखत करते हैं। ये चार प्रांत थे लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ापोरिज़्या और खेरसोन। इस मौके पर पुतिन ने कहा था, मैं यूक्रेन की सरकार और पश्चिम में बैठे उनके आकाओं को ये बता देना चाहता हूँ कि लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ापोरिज़्या और खेरसोन में रहने वाले लोग हमेशा के लिए हमारे नागरिक बन चुके हैं। इस बाबत फैसला हो चुका है, रूस उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। इतना सुनते ही सेंट जॉर्ज हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगता है। अब दूसरी तारीख की बात कर लेते हैं। ये तारीख है 9 नवंबर 2022 की, जगह अज्ञात। रूस के नेशनल टीवी पर रक्षा मंत्री सर्गेई सोइगु का एक बयान चलता है। उस बयान में क्या है? खेरसोन से सैनिकों को निकालने और लोगों, हथियारों और दूसरे जरूरी उपकरणों को निप्रो नदी के पार ले जाने का आदेश दे दिया गया है। इस मौके पर यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना के कमांडर सर्गेई सुरोविकिन भी मौजूद थे। उनका बयान था, मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन इस समय सबसे ज़रूरी है अपने सैनिकों की जान की सुरक्षा करना। जिस समय रूसी सैन्य अधिकारी खेरसोन से वापसी का ऐलान कर रहे थे, उस समय पूरे कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। दोनों कमांडर्स के कंधे झुके हुए थे। और तो और, इस मौके पर पुतिन किसी गैर ज़रूरी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इसका आंकलन इस तरह से किया जा रहा है कि पुतिन खुद को असफलताओं से दूर रखना चाहते हैं, वो अपनी विजेता वाली जो छवि है उसको कायम रखना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि खेरसोन की हार ने उनका मनोबल जरूर हिला दिया है। किसी दौर में पुतिन की स्पीच लिखने वाले अब्बास किलियामोव ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा, पुतिन रूसी तंत्र की बुनियाद है और अगर पुतिन को झटका महसूस हुआ है तो समझिए कि पूरा ये जो तंत्र है वो ढह रहा है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि खेरसोन इतना खास क्यों है। पहले इस नक्शे पर नजर डालिए। खेरसोन यूक्रेन के दक्षिण में है। ये नाइपर या निप्रो नदी के किनारे पर बसा है। निप्रो नदी बहकर काले सागर में गिरती है। काले सागर के आसपास नेटो के तीन देश बसे हुए हैं, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। इसके अलावा यूक्रेन और जॉर्जिया नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। खेरसोन के जरिए यूक्रेन ब्लैक सी पर नियंत्रण रख सकता था। इसके अलावा खेरसोन में बना खेरसोन शिपयार्ड मर्चेंट शिप, टैंकर, कंटेनर शिप, आइस ब्रेकर, फ्रिज जैसे ज़रूरी सामान बनाता है। इस शहर के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। खेरसोन क्रिमीन पेनिनसुला के नज़दीक है। यहाँ पर रूस ने
2014 में कब्जा किया था। इस जगह पर रूस के कई सैन्य अड्डे हैं। खेरसों से वापसी के बाद ये इलाके यूक्रेन की जद में आ जाएंगे। इससे क्रीमिया में रूस की स्थिति कमजोर होगी। ये तो हुई खेरसों की खासियत। रूस ने इस पर कब्जा कैसे किया था और अब वो इसे छोड़कर जा क्यों रहा है, ये समझने के लिए हम टाइमलाइन एक बार देख लेते हैं। 24 फरवरी 2022, पुतिन यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाते हैं। उसी रोज रूसी सैनिक क्रीमिया के रास्ते से खेरसोन में घुस जाते हैं। 2 मार्च को रूस का रक्षा मंत्रालय खेरसोन पर दावा ठोक देता है। शहर की सड़कों पर रूसी सैनिकों की गश्त शुरू हो जाती है। 5 मार्च को खेरसोन की जनता प्रोटेस्ट शुरू कर देती है। ये रूसी कब्जे को अवैध बताती है। वे नारे लगाते हैं, खेरसोन इज यूक्रेन। 21 मार्च तक प्रदर्शन और तेज हो जाते हैं। कठपुतली गवर्नर व्लादिमिर साल्डो को हटाने की मांग होती है। इसी दिन रूसी सेना प्रदर्शनकारियों पर हथगोले और गोलियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता। 25 मई को पुतिन एक ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि खेरसोन और उससे सटे ज़ाबोरोजिया के लोगों को फास्ट ट्रैक रूसी नागरिकता दी जाएगी, मतलब उन्हें आसानी से रूस की नागरिकता दे दी जाएगी। उन लोगों को कोई एलिजिबिलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। सितंबर में यूक्रेन आर्मी दावा करती है कि उसने खेरसोन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसी महीने 2 और बड़ी घटनाएं हुई। एक तो ये हुआ कि रूस ने खेरसोन की सरकारी इमारतों पर बमबारी शुरू कर दी, और दूसरी चीज़ ये हुई कि पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया। इन 4 इलाकों में खेरसोन भी था। ये जनमत संग्रह रूस में शामिल होने के लिए था। 23 से 27 सितंबर के बीच जनमत संग्रह कराया गया। रूस ने दावा किया कि सभी इलाकों में 90% से अधिक लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। 30 सितंबर को मॉस्को में आलिशान समारोह मनाया गया। इसमें पुतिन ने लंबा चौड़ा भाषण दिया। इस मौके पर चारों प्रांतों के गवर्नर भी इकट्ठा हुए थे। पुतिन का दावा था कि चारों इलाके हमेशा के लिए रूस का हिस्सा बन चुके हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसका विरोध किया। यूक्रेन ने कहा कि वो रूस को सफल नहीं होने देगा। उसने अपने दावे की लाज रखी। 3 अक्टूबर को यूक्रेन आर्मी ने नाइपर नदी के किनारे बसे कई गांवों को वापस हासिल कर लिया। इससे रूस की सप्लाई लाइन खतरे में पड़ गई। रूस बदला लेना चाहता था। इसी वजह से गवर्नर साल्दो ने लोगों से खेरसोन खाली करने की अपील की। नवंबर में पुतिन ने यही अपील फिर से दोहराई। रूस का दावा है कि उसने अभी तक 70,000 लोगों को खेरसोन से बाहर निकाला है। फिर 9 नवंबर को एक बड़ी घटना घटती है। खेरसोन के डिप्टी गवर्नर किरिल स्त्रेमोसोव की कार पलट जाती है। इस दुर्घटना में किरिल मारे जाते हैं। किरिल यूक्रेनी नागरिक थे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी की। वो यूक्रेन पर रूस के कब्जे के पक्षधर थे। यूक्रेन ने किरिल को मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में रखा था। रूस ने आरोप लगाया कि किरिल की हत्या हुई है। पुतिन ने किरिल को मरणोपरांत ऑर्डर ऑफ करेज का अवार्ड देने का ऐलान भी किया। किरिल की मौत के कुछ ही घंटों बाद रूस के नेशनल टीवी पर 2 लोग अवतरित हुए, रक्षा मंत्री सर्गेई सोइगु और यूक्रेन में रूस के कमांडर सर्गेई सुरोविकिन। उन्होंने खेरसोन के पश्चिमी तट से रूसी सैनिकों की वापसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या क्या कहा एक बार सुन लीजिए। सर्गेई सुरोविकिन ने कहा, हमें सुझाव दिया गया कि निप्रो नदी के दूसरे किनारे की सुरक्षा मजबूत की जानी चाहिए। मैं जानता हूँ ये बहुत ही मुश्किल फैसला है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी अपने सैनिकों की सुरक्षा है। हम दुश्मन के हमले के सभी प्रयासों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहे हैं। अगस्त से अक्टूबर के बीच हमारे हमले में यूक्रेन के 9,500 से अधिक सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। हमारे लिए हर एक रूसी सैनिक की जिंदगी अहम है। हमारे जितने सैनिक हताहत हुए हैं वो दुश्मन देश के मुकाबले में 7 से 8 गुना कम है। हमने खेरसोन से 1,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। हमने उनकी सेफ एग्जिट की भी पूरी व्यवस्था की है। इसके आगे सर्गेई सोइगु ने माइक संभाला। वो बोले, हमारे लिए रूसी सैनिकों की जिंदगी और उनका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। हमें आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान भी रखना होता है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग भी वहां से निकलने की इच्छा रखते हैं उन्हें वहां से निकाला जा सके। ये दुआ रूस का सरकारी बयान। उन्होंने खेरसोन की हार को मानवता के लिए हितकारी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये अलग बात है कि रूस पर यूक्रेन के कई इलाकों में मानवाधिकार उल्लंघन और नरसंहार के आरोप लगते हैं। यूक्रेन का ये भी आरोप है कि रूस ने जानबूझकर सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। रूसी सरकार ने जोर देकर अपने सैनिकों की सुरक्षा की बात कही, लेकिन उसी सरकार ने 21 सितंबर को अपने नागरिकों को युद्ध के मैदान में भेजने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो उनका दमन भी किया गया। बाद में रूस ने आदेश वापस ले लिया था। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि खेरसोन में रूस की हार की वजह क्या रही। 3 मुख्य वजहें इसकी गिनाई जा रही हैं। नंबर 1, सैनिकों की लामबंदी में कमी।
अब आप बोलेंगे कि क्या जटिल बात बता दी, चिंता मत कीजिए, पूरा आपको समझाते हैं। युद्ध की शुरुआत में जब रूस यूक्रेन के पूर्वी और उत्तरी शहरों में कब्जा कर रहा था, तो उसने अपनी सेना और हथियार वहां खपा दिए, जिससे दूसरे इलाकों में हथियार और सैनिकों की कमी पड़ी। ऐसे ही इलाकों में खेरसोन भी शामिल था। रूस इसकी भरपाई नहीं कर पाया, जिसके कारण उसकी पकड़ ढीली होने लगी। नंबर दो, खेरसोन पर शासन में कमी। रूस ने उस इलाके में जनमत संग्रह करवाया, कई प्यादे बैठाए, मार्शल लॉ लागू किया, लेकिन इन सब के बावजूद रूस खेरसोन पर प्रभावी रूप से शासन नहीं कर सका। रूसी कठपुतलियां खेरसोन के लोगों का भरोसा जीत पाने में नाकाम रहीं। नंबर तीन, यूक्रेन के बढ़ते जवाबी हमले। अगस्त तक यूक्रेन को पश्चिमी देशों से कम दूरी तक हमला कर पाने वाले औसत हथियार मिल रहे थे, लेकिन बाद में यूक्रेनी सैनिकों को अच्छी ट्रेनिंग मिली, आधुनिक हथियार उन्हें मिले, जैसे होविट्सर, हाईमार्स एयर डिफेंस सिस्टम, नई तकनीकों से लैस टैंक और ड्रोन। इन हथियारों की खेप अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ रूस के हथियारों की खरीद धीमी पड़ी हुई थी। इसके कारण यूक्रेन आगे बढ़ता चला गया और रूस के पास भागने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा, क्योंकि उसका सप्लाई सिस्टम बिगड़ गया था और उनका कमांड सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। अब अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं कि आगे क्या होगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस को पीछे हटने में कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा। तो क्या रूस हमेशा के लिए पीछे हट रहा है? शायद नहीं। रूस ने कहा है कि वो अपना बेस निप्रो नदी के दूसरे तट पर बनाएगा, यानी उसके सैनिक नदी की दूसरी तरफ तैनात रहेंगे। इस कदम को शक्ति बटोरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रूस को ये भी दिखाना है कि वो वापसी कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि वो खेरसोन को पूरी तरह हाथ से छूटने ना दे। हालिया दिनों में यूक्रेनी सैनिकों ने निप्रो नदी के कई पुलों को तबाह किया है, ताकि रूस को मदद मिलने में परेशानी ना हो। जानकारों की माने तो यूक्रेन अभी ड्राइविंग सीट पर है, वो रूस के नियंत्रण वाले कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पुतिन की गैर मौजूदगी ने उनकी शासन क्षमता और युद्ध के भविष्य को लेकर कई शंकाएं पैदा कर दी हैं। आने वाले कुछ समय में एक सवाल जोर शोर से पूछा जाएगा, क्या पुतिन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं? आपको इस विषय में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक और जरूरी सूचना सुनते जाइए। द लंडन टॉप क्विज ऐप पर शुरू हो चुकी है, जिसे आप लाइव खेल सकते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। क्विज खेलने पर इनाम भी हैं। हर दिन टॉप 50 विजेताओं को धनराशि जीतने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, डाउनलोड करिए लंडन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। शुक्रिया, शुभरात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।